नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है, वो खालिक़े कायनात है, इसीलिए अपनी मखलूक को शिफा देता है। हर बीमारी के लिए अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं शिफा ज़रूर रखी हुई है। इंसान को शहरक से करीब रब पर भरोसा नहीं होता तो वो दुनियावी सहारों के पीछे दौड़ता है, जबकि उसे अपने रब पर पूरा भरोसा और ईमान रखना चाहिए, क्योंकि वो गफूर रहीम रब है और बार बार माफ़ फरमाता है। ये इंसान के आमाल हैं जो उसे बीमारियों में मुब्तला करते हैं, जबकि अल्लाह ताला की अजमत कि वो उसे माफ़ करके शिफा देता है। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी अल्लाह ताला को राज़ी करके उसकी मखलूक की शिफा याबी तलब करना है, इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम दुआ से शिफा पाए हैं। हमारी आज की मेहमान मोहतरमा अनवरा रानी, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि हम ये शिफा की दुआ किस तरह कर सकते हैं या अंदरूनी वजू कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि शिफा की दुआ है क्या। जिस तरह हम नमाज के लिए हम लोग बैरूनी वजू करते हैं, बैरूनी वजू इंतहाई जरूरी है, वजू के बगैर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, इसी तरह अल्लाह ताला से बातचीत करने के लिए, दुआ करने के लिए, दुआ क्या है, अल्लाह ताला से बातचीत ही है ना, तो अल्लाह ताला से बातचीत करने के लिए इंतहाई जरूरी है कि आप अंदरूनी वजू करें। तो ये अंदरूनी वजू क्या है? अंदरूनी वजू ये है कि आपने अपना मन साफ करना है। और हमारी जो ये जो शिफा की दुआ है ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका पहला हिस्सा तौबा इस्तग़फ़ार पर मुश्तमिल है कि इंसान सबसे पहले हम लोग तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे, अपने गुनाहों से माफी मांगेंगे, दूसरों को माफ करेंगे। दूसरे हिस्से में सूरह नास और सूरह फलक का मेन मकसद कि शैतानी शर को हमने हटाना है, कि लोगों ने अगर किसी ने कोई बद्दुआ दी, बदनजर लगाई या कोई भी हम पे जादू टोना, काला जादू किया, तो उस शर से हम आजाद हो जाएं। नंबर थर्ड में हमने फिर अल्लाह ताला से, तीसरे हिस्से में अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक हमारे ये मकासिद आप ये कबूल फरमाइए। तो ये शिफा की दुआ तीन हिस्सों में मुश्तमिल है। जी, तो अभी आपने जैसे कहा कि लोगों को माफ़ करना चाहिए, कभी कभी माफ़ करना बहुत मुश्किल मरहला हो जाता है कुछ लोगों के लिए, वो लोग नहीं माफ़ कर सकते, तो इस सूरत में क्या किया जाए? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। कभी कभी हमारे लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि हम दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते, लेकिन आपने माफ़ करना है अपनी खातिर, अपनी सेहत की खातिर आपको दूसरों को माफ़ करना चाहिए, और इसलिए भी ताकि अगर आप माफ़ फरमाएंगे तो अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमाएंगे। इसलिए ज़रूर दूसरों को माफ़ कीजिए ताकि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाएं और हम लोग शिफा पाएं, क्योंकि माफ़ ना करना एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है शिफा की तरफ। माफ़ करेंगे तो हम शिफा पा सकते हैं। ठीक, तो अब आप हमें ये शिफा की दुआ करवाएंगी? जी हाँ, अब हम सब अपने कैंसर के मरीजों के लिए और बल्कि तमाम मरीजों के लिए दुआ मैं पढ़ती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी इस दुआ में मेरे साथ शामिल हों और मेरे पीछे पीछे ये दुआ दोहराइए ताकि आप सब लोग भी शिफा पाएं। मैं दरख्वास्त करूँगी सब मरीजों से भी, सब लोगों से भी, कि आप सब लोग इस दुआ में शामिल हो सकते हैं, शरीक हो सकते हैं, और स्पेशल खासकर वो सारे मरीज जो कैंसर के मरीज हैं वो ज़रूर ये दुआ इस दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे प्यारे रब्बुल आलमीन, आज हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं, तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और उन सब लोगों को दिल की गहराइयों से माफ़ कर देते हैं जिन्होंने भी हमारा दिल दुखाया या हमें तकलीफ़ पहुंचाई। आज हम अपने तमाम आबाओ अजदाद और ख़ानदान वालों के भी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ऐ गफूर रहीम रब, आप उनके गुनाहों को भी बख्श दीजिए, उन्हें भी माफ़ फरमा दें। आज हम शैतान की सारी शैतानी चलाकियों, मक्कारियों, लोगों के जादू टोने, तावीज़ गंडों, बददुआओं और बद नज़र को रद्द करते हैं, इनसे इनकार करते हैं जो भी किसी ने हम पर किए या करवाए। ऐ रहमान रहीम जिंदा खुदा, जिंदगी देने वाले, पालने वाले, संभालने वाले रब, हमारी जिंदगी में आ और हम सबको मुकम्मल शिफा दे, हमारे सारे मामला सुलझा दे, अपने पाक हिफाजती फरिश्ते हमारे चारों तरफ लगा दे जो हर वक्त हमारी हिफाजत करें और हमें बचाएं तमाम शैतानी बीमारियों से, बदरूहों से, बुराइयों से, और सिराते मुस्तकीम पर चलाएं। ए रब्बे करीम, ए बादशाहों के बादशाह, हमारे रिस्क में बरकत दीजिए, हमारी औलाद को नेक लायक और फरमा बरदार बना दें,
और हमें तमाम शैतानी बीमारियों और जिस्मानी बीमारियों से नजात दीजिए। ऐ पाक रब, ऐ रब करीम, हम जानते हैं आप इस वक्त हमारे पास ही मौजूद हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, इसलिए हमारी तमाम दुआएं अभी इसी वक्त कबूल फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं दुआ का आखिरी हिस्सा बोलने वाली हूँ। आप सब लोग खामोशी से सुनना और बात नहीं करना और अपने रब से अपनी मुकम्मल शिफा अभी इसी वक्त कबूल फरमाना। शिफा मिलने के बाद खुदा का शुक्र और तारीफ करना। मज़ीद बरकतें हासिल करने के लिए दूसरों को भी बताना। इन द नेम ऑफ लिविंग गॉड, आई बाइंड एंड टेक चार्ज ओवर एवरी सिकनेस, डिजीज, इनफर्मिटी एंड इनइक्विटी, एंड कमेंड यू टू लीव राइट नाउ एंड नेवर रिटर्न। आई रिलीज द हीलिंग एनॉइंटिंग ऑफ द लिविंग गॉड एंड द पीस एंड जॉय ऑफ गॉड, एंड कमेंड योर बॉडी टू बी मेंडेड एंड बी होल फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू द टिप्स ऑफ द टोज इन द नेम ऑफ लिविंग गॉड। इसके अलावा मैं आपको एक और बात समझाना चाहती हूँ कि जो लोग भी दुआ करना चाहते हैं, ये दुआ, इससे दुआ से पहले अपने तमाम तावीज़ वगैरह उतार के रख दें, बल्कि करीबी मस्जिद के किसी ड्रॉप बॉक्स में डाल दें, और अगर बहुत ज़्यादा वज़ाइफ पढ़ रहे हैं तो वो बंद कर दें। उन्हें चाहिए कि वो कुरान पाक तरतीब बार पढ़ेंगे, जिस तरह के अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया कि सूरह फातिहा से शुरू करेंगे और इस तरह सूरह नास पर जाएंगे। थोड़ा सा बेशक कुरान पाक आप थोड़ा सा पढ़ें, उसके साथ आपने उसका तर्जुमा भी पढ़ना है, और उसके साथ साथ ये दुआ करें, या अल्लाह पाक आप मेरी आँखें खोलें ताकि मैं वो सब समझ सकूं, जान सकूं जो आप कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं, मुझे वो सही से समझ में आए हर बात। जी, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैं इस पैगाम के साथ ये शो ख़त्म करना चाहूँगी कि खुदा उन पर रहम करता है जो उसकी मखलूक पर रहम करते हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।